हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राइड करेंगे पल्सर N160 और FZS एक एक करके, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दोनों ही बाइक्स का कि क्या फील आ रहा है बाइक में। देखो, स्पेसिफिकेशंस में इतना नहीं डीप में जाऊंगा क्योंकि वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। मेन मैटर करता है कि राइड करते समय आपको क्या फील हो रहा है बाइक में, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बाई चांस अगर आपको टेस्ट राइड नहीं मिल पा रही है और शोरूम्स वाले उतना नहीं डीप में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही पहली बात तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस सेगमेंट में है। एक शोरूम 1,22,000 के आसपास ही है दोनों का, तो ऑन रोड आते आते 1.5 लाख के आसपास चली जाती दोनों। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे दोनों को राइड करते हैं। अब ये हैं दोनों की चाबियाँ। पहले हम राइड करते हैं यामाहा FZ को, या मैं पहले राइड करता हूँ पल्सर को क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी है और ये लाइट है, तो वो डिफरेंस मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। तो पहले हम आते हैं बजाज पे। हल्का सा अपराइट है, और मतलब एग्रेसिव अपराइट है, और कंसोल है अपना, पूरी अच्छी सी डिटेलिंग है। देखो, एक चीज़ तो इमीडिएट पता चलती है आपको, और वो है इसकी ब्रेकिंग। अगर आपको कोई सी सी आवाज़ आ रही है तो वो हेलमेट की वजह से है, ना कि बाइक। थोड़ा सा हेलमेट में एक जगह से हवा आती है, उसकी वजह से आ जाती है। अब देखो, राइड करने में तो इट्स गुड, ऐसी कोई मतलब 154 केजी है तो ऐसा नहीं कि बहुत अनकंफर्टेबल फील होगी आपको, बट यामाहा FZ ऑब्वियसली थोड़ी सी लाइट होगी। चलो वो तो देखेंगे। फिलहाल के लिए अपराइट हल्का सा आपको एकदम झुकना पड़ता है। मैं कहूँगा 10-15 डिग्रीज आप झुकते हो, एकदम सीधा नहीं है, ऐसे सीधा नहीं है, हल्का सा आगे होना पड़ता है इसमें, ये एक चीज़ है। तो सिटी राइड के लिए वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाओगे 100 किलोमीटर के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और अरे भाई, क्या ब्रेकिंग है यार। और क्योंकि नई बाइक है, या फिर पता नहीं इसका क्लच है ही ऐसा, इसका क्लच बहुत स्मूथ है, मतलब इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे रहा है इसका क्लच मुझे। और कॉर्नरिंग करते टाइम भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे लिए, बहुत ही स्मूथ क्लच है भाई, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एक चीज़ जो मुझे कोई फील होती है वो है भी इसमें कि यार, मतलब ऐसा लगता है पूरा एक्सेलरेटर खींच दे रहा हूँ तो बाइक चल रही है। मतलब क्या बोलते हैं, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत वीक है इसका, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक बार जब पकड़ लेती है तो बहुत बढ़िया यार। ब्रेकिंग यार भाई, नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग है यार, नेक्स्ट लेवल। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। प्रीमियम है फुल बाइक, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यार मतलब क्वालिटी बेकार है, तो क्वालिटी इज वेरी गुड। सारी की सारी डिटेल्स आपको कंसोल में मिलती है, कंसोल बहुत अच्छे तरीके से विजिबल है इसका, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपको इसका नाइट रिव्यू देखना है तो नाइट रिव्यू पूरा शूट हो रखा है, मैं इसका आपको वर्बली बता दे रहा हूँ, थ्रो बहुत अच्छा है लाइट का। बाकी आपको देखना हो तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे है, मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ओ भाई, ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है। और ये बात तो है कि गियर शिफ्टिंग भी मुझे क्वेश्चन नहीं कर रही है। क्या है, हर वीडियो में फुटेज चाहिए क्या? चलो भागो यहाँ से। अब हम राइड करते हैं यामाहा FZ को। आप इनको फुली इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इमीडिएट डिफरेंस जो है, जो कि मैं पहले भी बोल रहा था, वो ये है कि इसका जो पोस्चर है अपराइट है, तो आप पूरा कंफर्टेबल होके बैठे हो। हल्का सा पल्सर में हल्का सा 10-15 डिग्रीज आप आगे होके बैठे थे। स्टार्ट करते हैं।
अरे गियर लगा हुआ है। ओ ये एक चैलेंज है कि भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिखता है, तो अब न्यूट्रल भी मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट कर ले रहा। कहीं ना कहीं कौन सा गियर लगा हुआ है यार, पहला है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इस बाइक का। और ब्रेक तो बहुत ही वाहियात है यार इसके। देखो यार, इमीडिएट डिफरेंस आपको बताया, पहली बात पोस्चर इसका बेटर है, मोर कंफर्टेबल। सीट थोड़ी सी ऐसा लग रहा है वाइड है, आपको स्पेस ज़्यादा मिल रही है बैठने के लिए, तो वो एक डिफरेंस है। और कंसोल में हाँ, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर है नहीं इसमें, तो केवल स्पीड ही दिखाई देती है, और आरपीएम मीटर इतना कौन ध्यान देता है। तो वो अपनी बाइक गई थी इसलिए ध्यान गया उस पर। बाकी मिरर्स, क्या मिरर्स की जो पोजीशन है वो दोनों में ही बहुत ही अच्छी है। वो मैं उसमें नहीं चेक किया, लेकिन दोनों में ही सही है पोजीशन, वो प्रॉब्लम नहीं है। पोस्चर बहुत सही हो गया आपका। कंसोल थोड़ा सा इसका उसके कंपैरिजन में ऑब्वियसली पीछे, क्योंकि यामाहा ने इसको अपग्रेड ही नहीं किया 2022 में। 23 में हो सकता है कि अपग्रेड हो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सबसे जो मेजर डिफरेंस जो लग रहा है बाइक चलाते टाइम लगता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स। कहते हैं कि यामाहा एफजी की पावर अच्छी नहीं है, बट भाई डेफिनेटली पल्सर N160 से थ्रॉटल रिस्पॉन्स के मामले में, अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी खींची बाइक, तो यहाँ पे मैं पल्सर के साथ कॉन्फिडेंस लेके नहीं खींच सकता था कि भाई मैं खींच दूँ, लेकिन एफजी के साथ मैं खींच सकता हूँ। और एफजी में मुझे ग्रिपिंग बहुत अच्छी मिल रही है, कॉर्नरिंग जो मैंने ये हल्की सी करी इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया, मेरे को लगा कि मैं खींच ले जाऊंगा, वो चीज़ मुझे पल्सर में नहीं मिल रही थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसमें एक बहुत बड़ी कमी है ब्रेक्स की। भाई ब्रेक्स, क्योंकि सिंगल चैनल ABS भी है, तो वो फील नहीं आ पा रहा है, वो बाइट नहीं मिल पा रही है, वो बाइट तो पल्सर में ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टेबिलिटी के लिए आप जाओगे तो, लेकिन ये है कि मैनेजेबल होता है। अगर आप, ये गाड़ी बिल्कुल भी वो नहीं है यार, मतलब बंदा बिल्कुल भी इसको मैनेज नहीं करता। अब 6 महीने से सोचो सर्विस ही नहीं कराई है, 10,000 चल चुकी है, दूसरी सर्विस 3 या 3,500-4,000 रुपये हुई होगी। अब 6,000 किलोमीटर आप बिना सर्विस के चलाओगे तो ब्रेक्स भी वीक हो ही जाते हैं। खैर, अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो आपका मैनेजेबल वाला काम हो जाएगा, इतना कोई बुरे ब्रेक्स नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल इसके ब्रेक्स तो बहुत ही ख़राब हैं। मैं ये रॉन्ग साइड नहीं चल रहा हूँ, ये रोडी ऐसी भाई, उस साइड हमारी चटोरी गली लगती है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उधर बाइक नहीं चला सकते। खैर एनीवेज, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट FZS इज़ मोर, मतलब FZS में ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक ब्रेक्स की बात है और माइलेज की बात है, तो उसमें अपना पल्सर बहुत अच्छी है। अब इसमें एक चैलेंज आता है इसका, जो कहाँ है समझ नहीं आता कि साइड स्टैंड कहाँ पे है। ओफो, तो जो हमारा एक ओवरऑल रिव्यू निकलता है दोनों ही बाइक्स का, साथ में पल्सर भी आ चुकी है, इसको नहीं कंपेयर कर रहे हैं, खड़ी कर दी ऐसी, तो बंद कर देता। तो एक जो रिव्यू मैं निकाल के देता हूँ वो आपके लिए, वो ये है कि FZS हमारी इज़ मोर स्टेबल, मोर कंफर्टेबल दैन पल्सर। ऐसा नहीं कि पल्सर नहीं है, बट कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है। पीछे पिलियन का हमने रिव्यू निकाला था ओनर से, पिलियन में आपकी मम्मी, आपके दादाजी कंफर्टेबल रहेंगे FZ में इन कंपैरिजन टू पल्सर। थोड़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ऊपर उसकी पोजीशन ऐसी है फुटपैक की कि बैठने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे आपके पास वो वाला फुटरेस्ट भी दिया, आप उसमें लगवा सकते हो, पर इसमें दिया ही हुआ है, इसमें इनबिल्ट आता है। इसके अलावा ये 2021 मॉडल है, बहुत डिफरेंस नहीं है जो अभी FZ आ रही है। 23 में मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कुछ हमको नया लुक मिले, कंसोल में होपफुली कुछ चेंजेस आए, क्योंकि ये कंसोल 3 साल से ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो ये हमको कुछ अपग्रेड मिले। इसका कंसोल बहुत ही बेटर है FZ के कंपैरिजन में। फिर रही बात इंजन की, बात करें तो इंजन हमारा FZ का बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। पल्सर ऐसा नहीं है कि
कुछ गलत है कि बस हल्का सा थ्रोटल रिस्पांस कम आता है, आपको एक्सीलेटर पूरा देना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा देखिए थ्रोटल रिस्पांस एकदम भागता है, वो बाइक का नेचर है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसका पॉजिटिव ये है कि इसका माइलेज इससे थोड़ा सा बेटर ही रहेगा हमेशा, 2 या 3 पॉइंट्स हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। अगर ये 45 देगी तो वो 48-49 ज़रूर देगी। अब एक अच्छी चीज़ है, ये एक एग्जांपल आपके लिए हो गया कि देखो ये बाइक कितनी कम मेंटेन्ड है, वह बंदे ने सर्विस नहीं करवाई हुई, ऑलमोस्ट स्किप करी हुई है सर्विस, उसके बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इतना तो मैं बजाज के साथ, मेरे पास ये बजाज रही है इतने सालों से, ऑलमोस्ट मेरे को 7 साल हो चुके हैं, 8वां साल है इसका, ये मैं बता सकता हूँ कि अगर बजाज की बाइक्स ज़्यादा टाइम सर्विस नहीं हुई है तो आपको वो इमीडिएट डिफरेंस दिखता है भाई, पता लगता है कि भाई सर्विस करवा लो वरना रो देगी बाइक, हमें ये पूरा फील होता है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि यमहा के इंजन्स की बात कह लो या इंजन ऑयल की बात कह लो, कि जो भी कह लो, थोड़ा सा एक एडवांटेज है। तो ये सब पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब आप एक ओवरऑल डिफरेंस ले सकते हो कि भाई आपको कौन सी आप चीज़ है जो बेस्ट फिट होगी। एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, इट्स नॉट द बाइक बट इट्स द बाइक ओनर हु ड्राइव्स द बाइक। तो ये केवल बाइक को कहना कि यार ये बाइक मेरे लिए सूट रहेगी, करेगी कि नहीं करेगी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस बाइक को कितना मेंटेन करके चलते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो मेंटेन नहीं कर रही है कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसको प्रॉब्लम आएगी इस बाइक में, ठीक है, तब वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता है। तो दोनों ही बाइक्स अपनी जगह, अपनी अपने सेगमेंट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों में ही अच्छे हैं। अभी आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें उनमें चाहिए। अगर आपको स्टेबिलिटी और कंफर्ट चाहिए, हैंड्स डाउन गो फॉर FZS। अगर आपको माइलेज, ब्रेकिंग, कॉन्फिडेंस चाहिए, गो फॉर पल्सर। पिलियन सीट का कंफर्ट चाहिए, गो फॉर FZ। पिलियन सीट उसमें नहीं मिल पाएगा आपको कंफर्ट। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। और जो हमने मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बंदे की हाइट, जैसे मैं 5'7" हूँ तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, इसमें 5'4" तक का बंदा भी संभाल लेगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें आपको बहुत चैलेंज आने वाला है। 5'5" के नीचे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, आपके पैर एकदम टो पे टच होंगे तो भाई उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल दोनों ही बाइक्स मुझे पसंद आई हैं। हल्का सा अपराइट एग्रेसिव पोस्चर है, बिल्कुल अपराइट पोस्चर है। तो दिस इज़ ऑल, आई होप आपको वीडियो में क्लैरिटी मिली हो और समझ में आया हो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।